हरी ओम सभी को। वसुंधरा पाठक के चैनल में आपका स्वागत है। ये देखिए हम टमाटर को भून रहे हैं और आगे आप वीडियो देखिएगा कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। ये हमने मिक्सी का जार लिया है और इसमें हम डाल रहे हैं हरी धनिया। ये हमने लिए हैं 4 हरी मिर्च। अदरक डाल देंगे, नींबू का रस डाल देंगे, एक चम्मच जीरा डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे, नमक डाल देंगे। ये हमारे भुने हुए टमाटर हैं जिसको हमने छील लिया है, इसे डाल देंगे। ये हींग है, इसे भी डाल देंगे। ये थोड़े से हरे मटर हैं, इसे भी डाल देंगे इसी में। और अब हम इसको पीस लेंगे। ये देखिए मेरा बहुत अच्छे से धनिया की चटनी पीस गई है, बहुत अच्छा पीस गया है। ये देखिए चलिए अब इसे रख देते हैं, दूसरा शुरू करते हैं काम। ये हमने उबले हुए आलू लिए हैं, इसे हम छील लेंगे और छील के रख लेंगे इसे। ऐसे ही हम सारे आलूओं को छील लेंगे। ये देखिए ऐसे ही हम छील के रख लेंगे। आलू को हमने छील लिया है और अब हम आलू को काट लेंगे। ये देखिए ऐसे करेंगे और इस तरह से दो फांकी में करके फिर ऐसे टुकड़े टुकड़े में काट लेंगे। इसी तरह हम सारे आलूओं को काट लेंगे, अच्छी तरीके से काट लेंगे। ये हमने गैस रख पे कढ़ाई चढ़ा दिया है और कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम उसमें जीरा डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे और ये धनिया डाल देंगे। धनिया वाले आलू हमने डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरीके से चला देंगे और फ्लेम लो ही रखेंगे। ये हमने लिया है लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है। अब हम एक चम्मच भुना जीरा पाउडर डाल देंगे। अब आलू डाल देंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। ये हमारा बन गया धनिया आलू, धनिया आलू। ये देखिए ये देखिए हमने अच्छी तरीके से चला दिया है, धनिया आलू मेरा बन के तैयार हो गया है। बहुत अच्छा धनिया आलू बना है, ये देखिए। और इसमें हमने सेंधा नमक डाला है, इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस और डाल देंगे। ये देखिए और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। थोड़ा खट्टा करने के लिए हमने नींबू का रस डाला है।
जीरा आलू बनके तैयार है। ये हम दोने में रख रहे हैं, मेरे यहाँ कथा हुआ था ना, गृह प्रवेश हुआ था तो दोने कुछ बच गए थे, रखे हुए थे, तो हम सोचे चलो दोने में रख के दिखाते हैं आज। ये हमने दोने में आलू लगा दिया है, और अगर आपको पसंद हो तो इसके ऊपर थोड़ी हरी धनिया वाली चटनी डाल सकते हैं, और अगर ना पसंद हो तो ना डालिए। और ये मेरे पास करी पत्ता की सीख है ना, तो इसे हम तोड़ लेंगे। और ये हमने सीख लगा दिया, इसमें भी लगा दिया, आप सीख से उठा के बढ़िया खा सकते हैं। और अगर मेरी सीख तो मुझे मिल गई, अगर ना मिलती तो मैं अगरबत्ती का पीछे वाला भाग लगा देती। ये इससे अच्छा लगेगा खाने में। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके ऊपर थोड़ा भुना जीरा डाल देंगे, चटपटी बन गई चटनी। ये मेरा धनिया आलू बनके तैयार हो गया। आपको हमारा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिएगा। हरिओम सभी को।